ट्रिपल यूनियन की सरकार है, हम सब मिलकर विकास करेंगे। 3 बजे तक, 2-3 बजे तक आपको पता चल जाएगा। अब चाचा कहीं नंबर सो पर स्वार्थ मा की देखो, 2-3 बजे देख ले परिणाम आ जी है, कोई जीत रहा यह पता चल जी है। और आखिरकार देखती हूँ तो चुनिया चुनाव जीतती है, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह वर्मा जी से बढ़िया मुलाकात हो जाती है, देर रात का निकली आवाज से बढ़िया तरह चुनिया भी आवती है। अब तो ये बता रहे कि देखो भैया शहर का बहुत कायदे से विकास होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार मिली हुई है। अब 12 बंकी शर्मा तो भैया कहा जा सकता है ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसदों इनका, विधायक भी इनका और चेयरमैन भी इनका। सुनो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस 12 बंकी जनपद की देवतुल जनता को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने वोटों से तनुज पुनिया जी को जिताया, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। अब जनता का धन्यवाद करने के बाद हमने इनसे पूछा कि आपका बगैर कॉन्फिडेंस तो शुरू से रहा है, आप यूँ कहते हो कि देखो हमारी बिरादरी भी सपोर्ट कर रही है और 3 बजे जब परिणाम आई है तो आप यहूँ देख लो कि कोई जीत रहा है और यही भवा, तो कहें कि हाँ भैया बिल्कुल है, हमका कॉन्फिडेंस तो यूँ रहा है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। तनिक सुनो, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम और हमारी पार्टी के सभी नेता जमीन पर काम कर रहे थे, हम लोग हर एक एक गतिविधियों पर नजर रख रहे थे कि हमें चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बीच में हमने कहा था कि तनुज पुनिया जी लगभग 7 लाख मतों से जीतेंगे और 12 बंकी की जनपद की कोई भी विधानसभा, यहाँ तक कि दरियाबाद भी हम भारी बहुमत से जीते थे और वैसा ही परिणाम इस देवतुल जनता ने दिया। आपने इतना समर्थन किया, अब शहर में किस प्रकार से विकास? शहर में विकास हम दोनों, अब चूंकि अब एक प्रकार से ये कहिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार इस वजह से कि जो सांसद भी हमारा है, विधायक भी हमारे हैं और हमारा चेयरमैन भी नगर पालिका का भी हमारा है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम सब मिलकर विकास करेंगे। अब विधायक, चेयरमैन और सांसद तीनों जने मिलकर के बढ़िया विकास करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। 12 बंकी सरबर में भैया तो देखा तो बढ़िया सरकार बन गई है ट्रिपल इंजन की। अब ऐसा मकद कह रहे थे कि देखो भैया ऐसा बढ़िया विकास करेंगे और साथ ही साथ बंकी ओवरब्रिज पर भी प्राथमिकता दी जाएगी। तनिक सुनो भैया, सबसे पहले वही ध्यान दें हमारी पार्टी के सांसद उसके लिए प्रयासरत भी है। तनुज ने भी कहा कि पहले वही बनवाएं। पहले वही बनवाएंगे, यदि क्योंकि अब सरकार तो हमको लगता है कि एनडीए की बनेगी, लेकिन फिर भी हम और हमारे पार्टी के विधायक और हमारे पार्टी जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि बंकी का ओवर ब्रिज जल्द से जल्द बने। अब बंकी के लोगों खातिर तो खुशखबरी है भैया, आप बकायदा उनके तरफ ओवरब्रिज तो पक्का बनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि शंभा सहज खबर यही तुमका मिली है, तो वीडियो का शेयर कर डालो फटाफट। बाकी कमेंट करो वीडियो कैसे लगी।